कभी भी दहेज उनके लिए समस्या नहीं थी, कभी भी कोई बहुत हिंसा महिला हिंसा उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। बलात्कार तो बहुत ही कम संख्या में था और क्या कहते हैं हत्या भी बहुत कम। मगर राज्य बनने के बाद जहां वो इन चीजों से जूझ रही थी ये बाकी समस्याएं भी उनके साथ जुड़ती चली गई। तो ये समस्याएं कहां से पैदा? तो वर्तमान कहीं ना कहीं जो राजनीति हमारे बीच में चल रही है, जो वर्तमान जो व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्था का ढांचा है वो आपको प्रभावित कर रहा है सबसे ज्यादा। अगर महिलाओं के को सबसे ज्यादा कोई प्रभावित कर रहा है चाहे वो शिक्षा का हो, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि पितृसत्तात्मक जो पूरी व्यवस्था आज तक भी कायम है उसने महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे तो धकेला ही है। और उसके लिए महिला आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता तो है, वो अपनी जगह मैं उसको नहीं निकालती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम समग्र में चीजों को नहीं सोचेंगे, हम स्त्री पुरुष को साथ लेकर चीजों को बदलाव करने के लिए नहीं सोचेंगे तो शायद हम इस समाज को बदल भी नहीं पाएंगे और महिलाओं की स्थिति को भी नहीं बदल पाएंगे। ये मेरा कहना है स्त्री पुरुष के साथ जब हम लोग बातचीत करते हैं, हम आधुनिक आधुनिकता की बात करते हैं, हम नारीवाद की बात करते हैं और हम समाज को साथ लेकर चलते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको देना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ क्योंकि ऐसा मंच हमें बार बार नहीं मिलता है और हमारे साथ बहुत सारे पहाड़ के लोग हैं जो पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं, और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो बाहर से हैं, वो भी जाने उत्तराखंड के बाद। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, इस समय उत्तरकाशी के अंदर एक डांग गांव है। डांग गांव की महिलाएं बहुत लड़ाका हैं, बहुत संघर्षशील हैं। उस गांव के बीच में एक ग्राम सभा में दो गांव हैं, जो दूसरा गांव है पोखरी गांव, उन दोनों के बीच में एक रास्ता बन रहा था, रोड बननी थी। अब उस रोड जो बननी थी वो सरकार बना ही नहीं रही है, बहुत टाइम से वो महिलाएं मांग कर रही है वहां की, उस गांव की ग्राम प्रधान महिला है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ यहाँ पे स्त्री दिवस में क्योंकि वहां की ग्राम प्रधान महिला है, अब वो एक संघर्ष कर रही है उस गांव की। उसने सरकार को एप्लीकेशन दी कि हमारे गाँव को जोड़ने के लिए आप जो हमारा पुराना रास्ता है कच्चा उसको पक्का कर दीजिए, इस रास्ते को आप बनाइए। तो सरकार ने किया गया तत्काल एक घुमा के बहुत लंबी सड़क 3-4 किलोमीटर की नीचे से ऊपर तक जंगलों से होते हुए उन दूसरे गांव के लिए बनाने की स्वीकृति दी। क्यों दे दी उस स्वीकृति को? क्योंकि उसमें 1100 पेड़ कट रहे हैं और ये धंधा वहां के जो राजनेता हैं और जो वहां का माफिया है जंगल का उसके साथ साथ गांठ है जो रोड बनाएगा, क्योंकि 1100 पेड़ कटेंगे तो उनका अपना जो भी लेन देन होगा उसमें फिट होगा। तो आज वो महिलाएं आज एक हफ्ते से वो अपने गाँव की सड़क, उन्होंने कहा ठीक है हम अपने आप बनाएंगे, अगर सरकार उसको बनाएगी तो हम अपने गांव की सड़क बनाएंगे। मैं वो वीडियो मेरे पास सुनने वहां की सारी महिलाएं लग के उस गांव की सड़क बना रही हैं और सरकार ने वो वहां सड़क बना लिया, सरकार ने 1100 पेड़ों पे अपना ठप्पा लगा दिया है काटने के लिए। अब बताइए क्या होना चाहिए? ऐसे हम यहाँ पे विमर्श तो कर रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ औरत पर्यावरण को बचा रही है, जहाँ पे औरत अपने जंगल को बचा रही है, अपने गाँव को बचा रही है और अपने परिवार को बचाए, ऐसे में क्या हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं। और कल उन लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर से लोगों को कहा है कि आओ, जितना उनकी सामर्थ्य महिलाएं जितनों को बुला सकती थी मुझे भी कहा है आओ, और मैं भी अपने सारे काम छोड़ के कल उत्तरकाशी को जा रही हूँ। क्यों मुझे लगता है कि आपने भी कुछ बातें कही, मैंने भी कुछ बातें की, मगर बातों को आपस में जब तक हम नहीं बांटेंगे, हम उन संघर्षों को पैदा नहीं करेंगे जहां पे औरत मजबूत हो, जहां पे महिला मजबूत हो। और मुझे लगता है कि आंदोलन ऐसी चीज होती है, वो किसी तरह का भी आंदोलन, वो महिलाओं का आंदोलन हो, वो उत्तराखंड के राज्य का आंदोलन हो, वो चिपको आंदोलन हो, वो शराब को लेकर आंदोलन हो, वो महिलाओं के किसी अन्य तरह के कोई आंदोलन हो, मैं कहती हूँ कोई हर आंदोलन जिसमें महिलाएं शिरकत करती हैं या नौजवान शिरकत करता है वो सबसे ज्यादा उसमें शिक्षित होता है। उतना शिक्षित तो शायद पढ़ के नहीं होता है, किताबों से नहीं होता है, जितना वो आंदोलन से शिक्षित होता है। ये मैंने उत्तराखंड के अंदर तीनों आंदोलनों में देखा। मैंने चिपको आंदोलन से भी मैं जुड़ी रही, मैं शराब के आंदोलन से जुड़ी रही, मैं उत्तराखंड राज्य के आंदोलन से जुड़ी रही और इस समय शिक्षा के आंदोलन से जुड़ी हुई। और मैंने इन चारों आंदोलनों में देखा कि हमारी बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो आज 80-85-90 साल की हो गई हैं वो बहुत ज्यादा शिक्षित है, एक पढ़ी लिखी भी है मेरे पास महिला से, ये उनको शिक्षण दिया है उनके आंदोलन ने। इसलिए मैं मुझे लगता है कि जब तक हम इस सारी चीजों देखिए, मैं आजकल हम इस बात को भी बहुत ज्यादा उससे कह रहे हैं कि वोट, क्योंकि शायद चुनाव आने हैं तब मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हमें वोट देने के लिए तो सभी कहते हैं वोट आपका अधिकार है,
वोट जरूर डालिएगा। आप कहते हैं नहीं कहते हैं, एक एक ही तो अधिकार आपको मिला है वोट डालने का, लेकिन उस अधिकार से हमें मिला क्या है? क्या हमें निर्णय का अधिकार मिल गया है? क्या हमें अपने समाज को संवारने का अधिकार मिल गया है? मुझे अपने परिवार को संवारने का अधिकार मिल गया है? क्या मुझे जो जहां पे भी किसी तरह का भी निर्णय दिया जाता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से, क्या मुझको निर्णय मिला है? हम महिलाओं को न तो परिवार के अंदर कोई निर्णय लेने का अधिकार है, न समाज में निर्णय लेने का अधिकार है, न राजनीतिक रूप से कोई निर्णय लेने का अधिकार है। मतलब महिलाओं की तो यही स्थिति है ही, मतलब हमारे बहुत सारे अन्य लोगों की भी यही स्थिति। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज, किसी भी चीज को अगर हम बदलाव की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, कुछ नया लाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक आम आदमी को, आम महिला को निर्णय में अधिकार नहीं मिलेगा हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक निर्णय हो, चाहे सामाजिक निर्णय हो और चाहे पारिवारिक निर्णय हो, तब तक बदलाव संभव नहीं। और मुझे लगता है कि यही इसकी रीढ़ होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अंत में मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम स्त्री विवाह से फिर दूसरी तरफ चले गए। मैंने उपभोक्तावाद की बात करी पूरी तरीके से, और आज क्या है उपभोक्तावाद के नाम पर, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा शोषण जो रहा वो महिला का हो रहा है। भी किसी भी चीज का विज्ञापन, अगर बीड़ी का विज्ञापन भी है तो महिला का फोटो छाप दो, किसी और चीज का आपने किसी सैंड का उपयोग करना है तो आप किसी क्या कहते हैं महिला को उसके बगल में खड़ा कर दो, या किसी किसी भी पुरुष की कोई चीज है उसको आपने एडवर्टाइज करना है तो वहां पर भी महिला आई छोटे छोटे कपड़ों में पहनकर। तो पूरा जो उपभोक्तावाद की जो मार है वो जितना ज्यादा महिला के ऊपर पड़ रही है उतना किसी चीज को, और मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है, मैं जींस पहनूं ये मेरा अधिकार है, मैं लिपस्टिक लगाऊं मेरा अधिकार है, मैं छोटे कपड़े पहनूं मेरा अधिकार है, लेकिन मेरे सोच के साथ होना चाहिए। कोई मेरे पे दबाव बनाए बिना सोच के मैं उसको स्वीकार कर लूं, वो मुझे लगता है वो उपभोक्तावाद जो है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जाता है अपनी अपने विचार से कहीं। और मुझे लगता है कि इसका यही सबसे बड़ा एक मुझे लगता है हमको ये सोचना चाहिए, विशेषकर महिलाओं को, कि हम जो पूरी अपसंस्कृति आ रही है उपभोक्तावाद के नाम पे, जहाँ पे महिलाएं इस्तेमाल की जा रही हैं, जहाँ पे महिलाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे महिलाओं को बचना होगा। और वैचारिक रूप से विचार के रूप में और अपने निर्णय के रूप में वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो सोचें और उसको स्वीकारें, ये बहुत बड़ी चीज होगी। इसी के बाद में अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।